वेलकम टू कविश आईएएस। आजकल न्यूज में आप लोग एक साइक्लोन के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, जिसका नाम है मिगजोन। ये स्पेलिंग के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएशन इज मिगजोन। ऑलराइट, तो ये जो साइक्लोन है, इट हैड क्रिएटेड सीवियर डैमेज इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये टॉपिक यूपीएससी GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। GS3 में एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें ये वाला टॉपिक आ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको मिगजोन के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो मिगजोन है, मिगजोन इज टर्म्ड एज अ सीवियर साइक्लोन। पर सीवियर साइक्लोन जानने से पहले हमें ये पता लगाना है कि साइक्लोन क्या है। साइक्लोन इज अ फेनोमेना वेयर लार्ज एयर मासेस रोटेट्स अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर। जैसे कि एक लो प्रेशर सेंटर है, उसके अराउंड एयर मासेस रोटेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज साइक्लोन। ये जो टर्म है साइक्लोन, इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस। साइक्लोस का मतलब क्या होता है? कॉयल और स्नेक। अब स्नेक कैसे रहता है? स्नेक इज ऑलवेज इन अ कॉयल्ड फॉर्म, राइट? तो इसलिए ये वाला साइक्लोस हमने टर्म को लिया है। तो ये टर्म सबसे पहली बार कॉइन किया गया था हेनरी पेडिक्टन के द्वारा। सो हेनरी पेडिक्टन वॉज द पर्सन हु हैड कॉइन द टर्म ऑफ साइक्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन, तो हमें क्या मिलता है? एक रेन बैंड मिलता है। ये बीच वाला पोर्शन जो है, दिस इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। उसके बाद दोबारा से रेन बैंड मिलता है। रेन बैंड मतलब यहाँ पे बारिश का मौसम चलता है, हेवी रेनफॉल। तो कभी कभी ऐसा लगता है whoever had suffered from the cyclone, जो भी affected है cyclone से, आप लोग देखे होंगे या आप लोग महसूस किए होंगे कि पहले बार आपको एक gust of air महसूस होता है, उसके बाद थोड़े देर के लिए वो शांत हो जाता है और हमें क्या लगने लगता है कि cyclone खत्म हो गया। But it is just a myth। क्या होता है? वो time आप लोग eye के अंदर हो, इसलिए जब eye is a place which is very much काम एंड कॉम्पोजिट, ये एक शांत एरिया होता है जहाँ पे कोई भी हम हवा का कोई भी दबाव हमें महसूस नहीं होता, एकदम शांत। उसके बाद दोबारा से और एक पोर्शन आता है रेन बैंड का। ओके, तो इस तरह से हमें पता लगता है कि स्ट्रक्चर क्या है एक साइक्लोन का। अब हम देखते हैं साइक्लोन्स कितने प्रकार के हैं। साइक्लोन्स मेनली हमें दो प्रकार के मिलते हैं, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन से पता लग गया कि ट्रॉपिकल एरिया में होता है। अगर हम ग्लोब को देखेंगे, इन द ग्लोब देर इज इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पे है? 0 degree पे। फिर आता है 23.5 degree नॉर्थ, 23.5 degree साउथ। ये आता है 23.5 degree नॉर्थ, यहाँ पे है 23.5 degree साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिकल रीजन। बट पूरे ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन हम नहीं देख पाते। 0 to 5 degree तक हमें साइक्लोन नहीं मिलता। इससे आगे जाएंगे तो हमें साइक्लोन का दबाव हमें महसूस कर सकते हैं। जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में साइक्लोन ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जो हम साउदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन में थोड़ा सा डिफरेंस। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ज्यादा डेंजरस होता है कंपेरेटिव टू द टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है? यहाँ पे फ्रंट आता है, फ्रंट्स। जैसे कि एक वार्म एयर है और है एक कोल्ड एयर। अब दोनों में एक फ्रंट का डिफरेंस होता है, उससे बनता है यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन। बट जो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन देखेंगे वो बनता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर के वजह से। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द साइक्लोन। साइक्लोन अपने आप नहीं बन जाता, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं वो फॉर्मेशन, साइक्लोनिक फॉर्मेशन करने के लिए।
सो सबसे पहले क्या है, वार्म ओशन करेंट। वार्म ओशन करेंट के वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है। अपना इवापोरेशन होगा जब, तो वहां पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी देखेंगे, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी के वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है। जहाँ पे एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है वहाँ पे एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन हो जाता है, बट जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे ही बनता है साइक्लोन। नाउ अनदर थिंग इज दैट लो वर्टिकल विंड शेयर। विंड शेयर क्या होता है, चेंज इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर स्पीड एंड डायरेक्शन लो होता है वहाँ पे साइक्लोन बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। एंड वन ऑफ द मेन फीचर इज द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं कोई भी विंड को साइक्लोन बनने में। ओके, हाउ इज इट अफेक्टिंग, लेट्स फाइंड आउट। अगर कोरियोलिस फोर्स में क्या है, सपोज कि साइक्लोन देखेंगे हम लो प्रेशर एरिया है जो सेंटर होता है। अब लो प्रेशर होगा तो बाकी जगह से जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां से विंड आता है इस डिरेक्शन में। विंड जनरली क्या ऐसे स्ट्रेट ही आता है, बट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में हम देखेंगे, नॉर्थ हेमिस्फेयर में वो डिफ्लेक्ट करता है राइटर साइड में, राइट हैंड साइड में, तो वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा अपने पोजिशन से। अब नाउ दिस विल क्रिएट अ सर्कुलर पैटर्न जिसके वजह से हमें साइक्लोन मिलेगा, क्योंकि साइक्लोन क्या है, एक सर्कुलर पैटर्न में चलता है। साइक्लोन को आईएमडी ने बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेनली इन द 7 कैटेगरीज। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो सबसे भयानक, सबसे डेंजरस जो है, दैट इज द सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसके बाद आता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, नेक्स्ट है वेरी सीवियर साइक्लोन, एंड फिर आता है सीवियर साइक्लोन। जो हम इस वीडियो में देखेंगे मिग्गोंग के बारे में, मिग्गोंग क्या है, वो एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कैटेगराइजेशन किया है आईएमडी ने। अब हम देख लेते हैं साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज का डिफरेंस। आप लोग एक बात तो बहुत बार सुने होंगे, साइक्लोन, टॉर्नेडोज, हरिकेन्स, तो वो क्या सारे सेम है? आई थिंक आप लोग सोचते होंगे कि सारे सेम है, बट देर आर सर्टेन माइन्यूट डिफरेंसेस इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। जो साइक्लोन होता है वो एक एक्वाटिक फीचर है, वो एक एक्वाटिक फीचर है। बट कमिंग टू द टॉर्नेडो, टॉर्नेडो इज अ टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन। क्या होता है, टॉर्नेडो ग्राउंड में ही बनता है, ग्राउंड में ही वो होता है। बट जब साइक्लोन देखेंगे, साइक्लोन्स आर ऑलवेज मेड अबव द वाटर बॉडी। उसके लिए वाटर होना जरूरी है, विदाउट वाटर अ साइक्लोन कैनॉट बी फॉर्म। मोर ओवर साइक्लोन कैन बी डिटेक्टेड वेरी अर्ली। साइक्लोन को कम से कम आप 5 से 6 दिन पहले आप लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हो, बट टॉर्नेडोस डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। टॉर्नेडोस को डिटेक्ट कुछ घंटे पहले ही किया जा सकता है, सपोज 1 आवर और 2 आवर्स बिफोर। जैसे कि सुबह अगर मौसम साफ भी होगा, सपोज आपको 6 बजे आप उठे हो, एकदम मौसम साफ है, फिर अचानक से टॉर्नेडो 4 बजे भी आ सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके, सपोज द टॉर्नेडोज इज डिटेक्टेड एट 12 o'clock, तो ये क्या है, ये इट इज हार्ड टू डिटेक्ट। जो साइक्लोन है वो बहुत पावरफुल स्टॉर्म है, और उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है। ये जो है डायमीटर बहुत बड़ा है कंपेरेटिव टू द टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कितना है, इतना छोटा सा, उसका डायमीटर भी क्या है, छोटा है इसलिए। और ये रिलेटिवली अगर हम देखेंगे साइक्लोन के कंपेरेटिवली, ये इसका डिस्ट्रक्शन कम होता है। वी इन कविश वी आर प्रोवाइडिंग द क्लासरूम क्लासेस ऑनलाइन एंड बोथ ऑफलाइन। वी हैव टू क्लासरूम्स इन कोलकाता। वी ऑल्सो प्रोवाइड 9 स्टडी मटेरियल्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम आपको मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विथ इट आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस, इसे राइटिंग जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके मेंस प्रिपरेशन में, आंसर राइटिंग एंड मंथली टेस्ट हम लेते हैं। इसके अलावा हम 1:1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। देयर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ इंडियन साइक्लोन्स। इंडिया में अगर हम देखेंगे 2023 में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आए हैं।
तो हम उनके थोड़ा सा नाम देख लेते हैं. वन इज मोचा, बिपोरजॉय, तेज, हामून, मिथिली एंड मिचोंग. तो ये क्या है, ये सारे जो हम नाम देख रहे हैं, ये सारे नाम इतना डिफरेंट क्यों है? ओके, ये नाम जैसे कि बिपोरजॉय, इट इज लिटिल लुकिंग लाइक बांग्लादेश, बांग्लादेशी नेम है, थोड़ा सा बंगाली टच है बिपोरजॉय नाम में. सो ये सब नाम इतना ज्यादा डिफरेंट एक दूसरे के साथ क्यों है? सो नाउ वी विल फाइंड आउट कि ये नाम कौन देते हैं. दिस नेम्स आर गिवन बाय द आर एस एम सी. आर एस एम सी क्या है? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर. इसमें टोटल 6 डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसमें से आईएमडी एक है. आईएमडी इज अ पार्ट ऑफ आरएसएमसी. ये आरएसएमसी का क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ साइक्लोन. ये नामकरण करते हैं साइक्लोन के, साइक्लोन्स को मॉनिटर करते हैं और उसको साइक्लोन्स को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. ये 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ये प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते कि साइक्लोन आ सकता है. अगर हम आईएमडी देखेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट इज वन ऑफ द 6 आरएमसीज इन द वर्ल्ड. आईएमडी अलॉन्ग विथ 12 अदर कंट्रीज क्या करते हैं, नाम सजेस्ट करते हैं कहाँ पे, नॉर्थ इंडियन ओशन में. तो अगर हम ओशन देखेंगे, ओशन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन. अब अटलांटिक ओशन भी देखेंगे, वहां पे एक है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एक है साउथ अटलांटिक ओशन, फिर पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है. तो इंडियन ओशन के जो नॉर्दर्न साइड है, इंक्लूडिंग बे, अगर हम इंडियन ओशन देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. ओके, अरेबियन सी. तो ये जो भी सारे हम इंडियन ओशंस में, जो हम जितने भी सी है यहाँ पे, जब भी साइक्लोन्स आएगा तो उसके लिए 12 कंट्रीज अलॉन्ग विथ आईएमडी विल सजेस्ट द नेम्स. और उसी नाम से हम एक के बाद हम नेम को पिक करेंगे. अब हम मिगोंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं. मिगोंग जो नाम है, इट इज गिवन बाय म्यांमार. इसका मतलब क्या होता है? रेजिलियंस. इस नाम का मतलब आता है रेजिलेंस, मिगोंग का. इसका लैंडफॉल हमने देखा है आंध्र प्रदेश में हुआ है हाल ही में, एंड इट्स फॉर्मेशन इन द बे ऑफ बंगाल. इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल जो है सी, वहीं पे इसका फॉर्मेशन हुआ है. मिगोंग ने तमिलनाडु में पूरा तहलका मचा दिया है विथ फ्लड्स. इवन यहाँ पे क्या है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स डीएम ने इसको पूरा पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है फॉर फ्यू डेज. अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे, वन इज एंटी साइक्लोन, अनदर इज साइक्लोन. साइक्लोन में अभी हमने क्या देखा है कि लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर का से जो विंड आ रहे हैं वो लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं. बट जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, वहां पे क्या होता है कि हाई प्रेशर से विंड डाइवर्ज होके लो प्रेशर की तरह जाते हैं. मिगोंग का तहलका पूरे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में बहुत भारी भरकम प्रॉब्लम हुआ है. वहां से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हमें देखने को मिला है, मैंग्रोव्स का हानि हुआ है, लाइफ स्टॉक लॉस, रेनफॉल बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल से पूरा फ्लड आ गया है. आप लोगों को यहाँ से डायग्राम से पता लग रहा है इस पिक्चर से कि कितना बुरा हाल है वहां पे. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की प्रॉब्लम्स. यहाँ पे देखिए, एकदम पूरा तहलका मचा दिया है तमिलनाडु में, पूरा फ्लड हो चुका है, इंक्लूडिंग जो ट्रेन्स है, ट्रेन्स भी डिले हो चुका है. अलोंग विथ इट जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में भी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुका है. डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, प्रिपेयर्डनेस, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, इम्प्रूव फोकास्टिंग एंड रिस्पॉन्स. प्रिपेयर्डनेस मतलब अगर हम पहले से प्रिपेयर होके रखते हैं तो डिजास्टर का लॉस कम हो सकता है. लैंड यूज प्लानिंग में भी अगर पहले से हम रखते हैं तो उसमें भी हम इवैक्यूएट कर सकते हैं लोगों को जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं. फ्लड मैनेजमेंट अगर हम करेंगे, और फिर मैंग्रोव प्लांटेशन. मैंग्रोव एक बहुत ही ज्यादा घने जंगल है, तो इसलिए मैंग्रोव प्लांटेशन से क्या होगा कि जो विंड स्पीड है, विंड स्पीड विल गेट रिड्यूस. और विंड स्पीड अगर ज्यादा रिड्यूस हो जाता है तो उससे क्या होगा, लोगों के लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज कम हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है. इसके अलावा अगर हम
फोरकास्टिंग पे बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड मैकेनिज्म लाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम पहले से इवैक्यूएट करेंगे एंड वी कैन ऑलरेडी बिल्ड अ शेल्टर फॉर देम, जो जहाँ पे हम उन लोगों को शिफ्ट करके रख सकते हैं फॉर फ्यू डेज. Pray for the people of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. In next video, we will try to discuss about the government role in the mitigation of cyclone. हम Andhra Pradesh and Tamil Nadu government के mitigation role के बारे में भी हम discuss करेंगे, along with कि उन लोगों ने कैसे पहले से alert किया है लोगों को and casualties थोड़ा सा कम हुआ है. But then also we as much the news is coming to us. 8 individuals had already lost their lives. So we pray for the safety of the Tamil Nadu people and Andhra Pradesh also. We hope you had got information about cyclone Mikong, and we will try to bring more videos like this in our next lectures. Thank you.